बनाने वाले हैं होममेड जलेबी। तो आज हमने मार्केट से खरीदा है ये जलेबी, बहुत ही इजी स्टेप्स है। और ये जो हमें गिफ्ट किया है मेरी फ्रेंड, मेरी कलीग मिस कैनी ने मुझे गिफ्ट किया है बच्चों के साथ खाने के लिए। तो थैंक यू बोल दो कैनी दी को। थैंक यू बोलागा, थैंक यू बोला, अवा कर दो। तो ये कैनी दीदी के लिए है अवा, क्योंकि उन्होंने ये हमें ले दिया है। तो आज हम इसे बनाने वाले हैं गाइस, ये बहुत ही सॉरी दे। तो आज हम इसे बनाने वाले हैं। सो गाइस ये बहुत ही इजी है, यहाँ पे स्टेप्स दे के रखा है, 3 इजी स्टेप्स दे के रखा है। और इसका और मजेदार बात ये है कि आपको ये मिलता है साथ में, जिसमें आप इस मिक्सचर को डाल के आपको बनाना है। तो कोई झंझट नहीं, बहुत ही आसान तरीके से जलेबी बन जाएगा। और जब से मैंने इसे लाया है ये खोपा नंबर 1 देखा, ये रखने नहीं दे रहा गाइस। देखिए दांत से कट करके ऐसे कर दिया। तो अभी वक्त हो रहा है 3:30 हो रहा है शाम का, तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। ही इज वेरी एक्साइटेड टू इट ना, अंगा अंगा बोलो ना, खाने मन है इसको। सो यस गाइस, अब देखते हैं इसका बनाने का प्रोसेस। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, जल्दी जल्दी हम बनाएंगे इसे, उसके बाद हम इसे टेस्ट करके बताएंगे कि हमने कैसा बनाया। और ये हमारा पहली बार होगा जिंदगी में जलेबी बनाने का, तो वी होप कि हमारा जलेबी अच्छा ही बने। तो ज्यादा बातें किए बिना चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस हमने एक बोल ले लिया है और ये है वो जलेबी का मिश्रण। तो इसे हम खोलते हैं तो ऐसा पैकेट मिलता है, इसे डालते हैं। उसके बाद गाइस लिखा है कि 125 मिलीलीटर कप पानी डालने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई मेजरिंग का नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे सही तरीके से डालने की और ज्यादा गीला नहीं बनाने की, थोड़ा थिक रखेंगे ताकि ये अच्छे से बन पाए। वाह बोला था, देखिए शुरू में जो बनाते हैं उसका जैसे बनना चाहिए था ना, शुरुआत में जो मामा। देखो गाइस ये खोपा को मत करा पापा। सो गाइस फाइनली इसे मैं मिक्स तो कर दिया है, बट मुझे इसे कितना ठीक रखना है उसका कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने इतना रखा है क्योंकि ज्यादा गीला उनसे शायद नहीं बने शेप में। सो इसे हम इसे डालेंगे मामा। खाने मन हो रहा है रुको, आज सुंदर जल्दी जल्दी बना देगा होगा। मम्मा बोलो ये हो गया, अभी एक जी हो गया। फालतू बात कर रही है, बल्ले बल्ले कर रहे। सो गाइस वेलकम टू आवर किचन एंड लुक एट दिस मैचिंग विद फिल्टर। तलित भी क्या पहना है देखिएगा, तलित भी मैचिंग हो रहा है, देखो तीनों मैचिंग मैचिंग। तो फाइनली ये तो तैयार है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप, तो उसके लिए मैंने ये फैन लिया है। सो गाइस फाइनली शुगर सिरप तैयार है, तो हमने कढ़ाई बिठा दिया है फाइनल स्टेप। उसके बाद हम डाल रहे हैं ऑयल, इसी में हम पकाएंगे जलेबी। कोशिश करेंगे जलेबी की तरह ही गोल सुंदर बनाने की, लेकिन ये मेरा पहला अटेम्प्ट है होममेड जलेबी बनाने की। सो ये ऑयल गर्म हो चुका है, तो गाइस पहला अटेम्प्ट, लेट्स सी। ओह माय गॉड क्या हो रहा है, नो फेल्ड। Thank you.
मेरा सेकंड अटेम्प्ट खुशी खुशी कर रहे हैं क्यों थोड़ा सा फ्लेम कम करो थोड़ा ठीक बना है वाओ ये थोड़ा ठीक बना है गाइस देखिए सो मिलेंगे कंप्लीट बनने के बाद सो गाइस देखिए फाइनली ये तैयार है ये जलेबी तैयार है देखिए गाइस कितने चमकीले डिलीशियस लग रहे हैं तो फर्स्ट ऑलरेडी इस बच्चे ने खा लिया है गाइस देखिए एंड ही इज डाइंग टू ईट मोर सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसा बनाया है शुगर स्ट्रिप वाला है इतना सर्कल तो नहीं बट ये अच्छा ही है तो हम देंगे किसको देगा हाँ खाओ मामू करके देखो उधर दिखाओ मजे करो कर दो मजे ना सभी हम भी एंजॉय करेंगे और यहाँ पे हमने और भी बनाया है ये शुगर सिरप पर हमने अभी तक नहीं डाला है इसे डालकर ही मैं दूंगी इन लोगों को इधर से मम्मी को देगा हाँ मैं से बनाना उसे ये किलो भी देगा इस तरह अपने हाथों से ही डिप करना है ना डिप करके बस निकाल दे रही हूँ ज्यादा मीठा तो मुझे पसंद नहीं तो आप दोनों भी टेस्ट कर लो को हम यहाँ से देगा हाँ डाल के तो आप दोनों भी टेस्ट कर लो को हम यहाँ से देगा हाँ डाल के तो ये तनु के लिए तनु भाई के लिए तनु भाई सामने आओ गिरने मत दो हाँ हाँ को भी देगा पकड़ो खा के बताना कैसा है बहुत चूले हाथ पकड़ो फिर आपको ये भी ट्राई करूंगी क्रंची भी है ना मेरी दुकान का जैसा ही है दुकान का जैसे मजा है वाव हाँ सस्ती है ना लो ये लोग को दे दो मम्मी लोग को दे दो ये लोग को सब खाते नहीं करो हाँ ठीक है तो बोला फाइनली हमारे पास इतना बजे हम खाएंगे एंजॉय करेंगे ना हाँ मम को दे दो इधर मम करो मत गिरो हाँ अगर उठ उठ के खाओ ना इधर 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 है ना इधर है ना ये वाला गाइस क्रंचीनेस का आवाज सुनो दो पुदा कैसे है भाभी मजे ना वाह बहुत डिलीशियस है गरम उसकी मजा यहाँ पे भी है ये पूरा बर्तन उठा के रेडी है खाने के लिए मजा है अंगा अंगा आपको आज खिलाएगा एक तू करो अभी बोलो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था मम्मम ये कोको अभी तक खा रहा है थोड़ा ही बाकी है तो ये बहुत ही पसंद कर रहा है फाइनली गाइस आज का वीडियो यही तक था तो वी होप कि आपको अच्छा लगा होगा ना हा? अच्छा लगा है तो क्या करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसी तरह प्यार से हमें देखते रहिए कमेंट भी जरूर कीजिएगा गाइस जाने से पहले गाइस हम फिर से मेरी फ्रेंड मेरी कलीग केनी से कहना चाहेंगे थैंक यू केनी दीदी आपका वजह से इतना टेस्टी और खाने मिले थैंक यू सो मच थैंक यू बोलांगा थैंक यू दीदी बोला अवा कर दो दीदी को फिर से कर दो
जल्द ही मिलेंगे हम नए और अगले मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेसेस, बाय बाय।